ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ऐसा ही होगा अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया तो। तो फिर मुझे क्या करना होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अटेंशन, आज वो वक्त आ गया है जो ना जाने हमारी जिंदगी में कितनी बार आया है लेकिन हमने उसकी कोई कदर नहीं की। मेरा इशारा रंगा राव के बर्बादी की तरफ है और अगर आज भी हमने इस वक्त की कदर नहीं की तो याद रखना कि देश के कोने कोने में मरने वाले हर बेगुनाह के मौत का जिम्मेदार सिर्फ रंगाराव ही नहीं, हम सब होंगे। मैंने तो तय कर लिया कि मैं रंगाराव को खत्म करके ही रहूंगा और अगर इस मिशन में आप सब मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप सब अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। भाई और बहनों, ओए बहन किसको बोला? ओए खामोश, बहन बोलकर मैंने कोई गलत बात नहीं की है। आज तक जो वहां बड़ी जिंदगी बिता रहे थे ना वो मर्दों वाली थी ना औरतों वाली थी, बीच वाली थी। बहन बोलकर मैंने तुमको इज्जत दिया है। यू आर राइट सर, हमारे माँ बाप ने हमारे नाम बड़े चुन चुन के रखे हैं, सबके नामों के आगे सिंह लगे हुए हैं, पर हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं चूहों की। एक द्वाल साहब थे जिन्हें देश कानून के लिए इस वर्दी के लिए अपनी जान दे दी और हमें ये वर्दी इसलिए पहन रखी है ताकि सर्दी में मर न जाए। सर पे कफन बांध लो और आतंकवादियों का ऐसा मुकाबला करो ताकि कोई आतंकवादी हमारे देश में आतंक फैला न सके, फैलाने की हिम्मत न कर सके। नहीं तो ऐसा वक्त आएगा हमारी जो औलाद है वो नामर्द की औलाद कहलाएगी। आज वक्त आ गया है मर्दानगी दिखाने का। बोलो आप सब तैयार हैं? हम तैयार हैं। बस आज के बाद मैं बड़ा नहीं, बोले साहब बड़े हैं, हम बोले साहब का कहना मानेंगे। बोलो बोले साहब की जय। बोले साहब की जय। हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह, सुना है मेरा भोला रंगराव को मारने गए? तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे वो रंगराव से पैसे लेने गया हो। खुशी की तो बात है, कब से अपने भोला को इस रूप में देखने के लिए तरस रही थी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे हम शादी में नहीं जा रहे, रंगराव से लड़ने जा रहे हैं। अरे मैं नहीं डरती किसी से, और भोला को लड़ते हुए देखकर अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। क्या बात है यार, पालगाट पे सब जान देने को तैयार है। चलो भाई एक बात सुन लो, वहाँ पहुंचते जीप के चारों टायर पंचर कर देंगे ताकि हम में से कोई भाग ना सके। ठीक है, चलो चलो भाई परेशान की बात ना करा। ये है पालघाट का मैप। हमारा गोडाउन से 10 अगस्त को बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद आरडीएक्स भेजते जाएगा और 15 अगस्त को पूरा कंट्री में एट वन टाइम मॉर्निंग 8 o'clock ब्लास्ट। नब्बे करोड़ हिंदुस्तान की जनता को तबाह करने वालों को तबाह करने के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तानी काफी है। अरे देखते क्या मारो इसको। ओ जी गुरु जी, आज दिवाली है क्या? नहीं भाई। तो फिर ये आवाज कैसी आ रही भाई? अबे गोलियां चल रही हैं, गोलियां। गुरु जी गोलियों की आवाज ऐसी होती क्या? अरे तुझे तो ये भी पता नहीं होगा गोलियों से आदमी कैसे मरता है। अबे बेवकूफ कैसे पता होगा, पिछले 9 महीने से ना कोई गोली चली है ना कोई आदमी मरा है।
गुरु जी तुझे मैं बताता हूँ गोलियां कैसे चलती है, आदमी कैसे मरता है। ऐसे मरते हैं आदमी। यू आर राइट सर, आप बड़े। कोई बड़ा नहीं है, इस भगत में रंग राव बड़ा है, उसको मार मार के छोटा कर देना है। जाओ तुम सब लोग फेंक दो, दीवारी की तरफ फेंक दो, जाओ जाओ पकड़ दिखा। खाने भी नहीं देते कुछ। नमस्ते मैम साहब। क्या क्या कर रहे हो? बस बस सही है। पागल पकड़े पकड़े जरा, एक मिनट पकड़िए। बहुत गर्मी है रे। अरे कमाल हो गया, क्या निशाना है पागल। हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह लोग कह रही रख ले, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, काम आ जाएगी, रख ले। थैंक यू सर। अबे साले, तेरी बीवी की तो ऐसे डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन साले तू इस दुनिया से डिस्चार्ज हो जाएगा। अबे कह रही नहीं है बम है बम। एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, Oh!
पालघाट के कीड़े मकोड़े भी आ गए। हम तो ज्यादा निशानेबाजी सीखने आए थे। तो सीखे? थोड़ी बहुत सीख ली। कैसे? ऐसे ऐसे। पकड़ो, मारो, फायर करो, फायर करो। मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा, अरे मैंने मारा। अबे चुप करो, मैंने मारा, मैंने मारा। ऐसी पॉलिटिक्स मत खेलो, हमारा देश इसलिए पीछे है। गोली एक्चुअली मैंने मारी है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं मैंने मारी है, हम सब ने मारी है। इससे पहले कोई हमें मारे, चलो डिको यहां से जल्दी, चलो कोना पकड़ो, कोना पकड़ो। ले रहा था वो ठंडा हो गया जी। भगवान तेरी आत्मा को कभी शांति ना दे। यू आर राइट सर, थैंक यू। जो इज्जत और सम्मान मिला है हम सबको, उस सम्मान का असली हकदार आज हमारे बीच में नहीं है, और वो है ज्वाला सिंह, जिसने हम जैसे कायरों में हिम्मत पैदा की, हमें जीने का तरीका सिखाया। ज्वाला के बिना हम इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचते, इसलिए इस मेडल पर भी
उन्हीं का हक है। अगर ज्वाला सिंह की पत्नी आकर इस मेडल को स्वीकार करे तो हमें बड़ी खुशी होगी।